हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू माय चैनल फन वे। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2 ऑफ क्लास 9th एनसीईआरटी। एक्सरसाइज दे स्टार्टिंग दे विच कुछ ट्रू फॉल्स ने जिहड़े कि तुहाडे लई समझने बहुत जरूरी ने। कोई भी ट्रू फॉल्स दा जो आंसर ट्रू हुंदा जां फॉल्स हुंदा उहदा तुहानू रीज़न पता होना चाहिए, इसलिए मैं तुहानू करवाउण जा रहा। फस्ट जो ट्रू फॉल्स है वो ये आ कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रीयल नंबर। हुण तुहानू पहली गल तां पता होवे कि रीयल नंबर हुंदे की है, तां दो गल्लां समझ आउणी चाहिए इस ट्रू फॉल्स लई कि रीयल नंबर की हुंदे आ। रीयल नंबर रैशनल ते इरैशनल नंबर दे ग्रुप नूं कहिंदे आ। जे आपां कह दईए कि जो नंबर सी नंबर लाइन ते ड्रॉ करदे आ, जिहड़े वी नंबर नंबर लाइन ते ड्रॉ कीते जा सकदे ने उह सारे नंबरस नूं असीं रीयल नंबर बोलदे आ। जो रैशनल नंबर हुंदे ने उह वी रीयल नंबर हुंदे ने, ते इरैशनल नंबर जिहड़े हुंदे ने उह वी रीयल नंबर हुंदे ने। रैशनल नंबर किहड़े हुंदे ने उह लास्ट वीडियो तुहानूं मैं दस चुक्कियां कि रैशनल नंबर उह हुंदे ने जिहड़े पी ओवर क्यू फॉर्म च लिखे जा सकदे आ। ते इरैशनल नंबर किहड़े हुंदे ने, इरैशनल नंबर उह सारे नंबर हुंदे ने जिहड़े रैशनल नहीं हुंदे। जो नंबर रैशनल नहीं हुंदे उहनां नूं असीं की बोलदे आ, इरैशनल नंबरस। रैशनल ते इरैशनल इहनां दोहां दे ग्रुप नूं असीं बोलदे आ रीयल नंबर। ठीक है, हुण क्वेश्चन जे पुछ कहा गया आपां नूं, पुछा गया कि एवरी इरैशनल नंबर इज़ आ रीयल नंबर, की हरेक इरैशनल नंबर रीयल नंबर हुंदा है? तो यस, क्योंकि आपां नूं पता कि रीयल नंबर दे विच रैशनल नंबर भी आ गए तो इरैशनल नंबर भी आ गए, इस करके असीं इरैशनल नंबर नूं रीयल नंबर कह सकते हैं, तो रैशनल नंबर नूं भी असीं रीयल नंबर कह सकते हैं। तो यह की होगा ट्रू। ठीक है, कि हरेक जिहड़ा इरैशनल नंबर आ वह रीयल नंबर हुंदा है। सैकेंड ट्रू फॉल्स की आ कि एवरी पॉइंट जिहड़ा हरेक पॉइंट आ, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, हरेक पॉइंट नंबर लाइन दे उत्ते इज़ इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम। ठीक है, वेयर एम की है, वेयर एम इज अ नैचुरल नंबर, एम हैगा नैचुरल नंबर। हुण आपां नूं इह कहा गया, कहिंदे मान लो कि नंबर लाइन है, तो सानूं पता कि नंबर लाइन दे उत्ते पॉजिटिव नंबर भी हुंदे आ ते नैगेटिव नंबर भी हुंदे आ। ठीक है, ते आपां नूं इह च इह कहा गया कि नंबर लाइन दे उत्ते कोई भी नंबर आ भावें जां कोई भी पॉइंट आ, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्केयर रूट एम। हुण एम हैगा कोई भी नंबर, इन्हां विचों कोई भी नंबर, मान के चलो कि एम वह मैं नैगेटिव टू लै लिया, ए वाला, इस नूं मैं एम मानता नैगेटिव टू नूं। ठीक है, कि हुण मैं इहदा स्केयर रूट लै सकदा, मतलब कि अगर मैं अंडर रूट एम करा तो की बन जूगा, फिर ए बन जूगा माइनस अंडर रूट टू, इदा। ठीक है, डर के सानू पता कि जेडे नैगेटिव नंबर होंगे ने, नैगेटिव नंबर अगर असी उन्हों का स्केयर रूट कर दें तो वह रीयल नंबर नहीं होंगे, इट इज़ नॉट अ रीयल नंबर, इट इज़ नॉट अ रीयल नंबर जो नैगेटिव होंगे ने अंडर रूट के। ठीक है, उन्होंने रीयल नंबर नहीं कहते, वह फिर की होंगे ने जोड़े नैगेटिव नंबर होंगे ने अंडर रूट के, कोई नैगेटिव नंबर आ जाए उन्होंने असं बोलते हैं कंपलैक्स नंबर, कंपलैक्स नंबर। जिहड़े कंपलैक्स नंबर हुंदे ने इन्हां नूं असीं इदां रीयल लाइन दे उत्ते रीप्रजेंट नहीं कर सकदे हैगे। तुहानूं मैं पहले ही दस्सदा सीगा कि रीयल नंबर किहड़े हुंदे ने, रीयल नंबर उह हुंदे ने जिहड़े लाइन दे उत्ते आ जाण। हुण अंडर रूट एम फॉर्म दे विच अगर तुसीं लिखणा चाहोगे, ठीक है, अंडर रूट एम, तो एम तो हुण नैगेटिव भी हो सकदा, फिर इट मीनस ए नंबर नूं असीं नंबर लाइन ते रीप्रजेंट नहीं कर सकते हैगे, क्योंकि यह रीयल नंबर ही नहीं हैगा, एक कंपलैक्स नंबर है। ठीक है, इस करके यह हैगा फॉल्स। ठीक है, हरेक पॉइंट आ जिहड़ा नंबर लाइन उत्ते, नंबर लाइन उत्ते कोई भी पॉइंट आ, हरेक पॉइंट है, हरेक पॉइंट में नैगेटिव नंबर भी आ गए, पॉजिटिव नंबर तो सर जूगा पर नैगेटिव नंबर आ गया, नैगेटिव नंबर जो असं अंडर रूट एम फॉर्म लिखा तो उन्हें रीयल नहीं रहना, फिर उन्हें कंपलैक्स बन जाना,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਨਰੂਟ ਐਮ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਦਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਨਰੂਟ ਐਮ ਫੋਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਫਾਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥਰਡ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਜੋ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਹੈ, ਥਰਡ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ ਦਾ ਥਰਡ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਐਵਰੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਅ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ, ਐਵਰੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਅ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਹਰੇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਇਸ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, 5 ਇਹ ਵੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਆ, ਅੰਡਰਰੂਟ 2 ਇਹ ਵੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਮੈਂ 5 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 5 ਹੈਗਾ ਰੈਸ਼ਨਲ, 5 ਹੈਗਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ, ਅਤੇ ਅੰਡਰਰੂਟ 2 ਕੀ ਆ, ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਡਰਰੂਟ 2 ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਰੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਰੈਸ਼ਨਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਫਾਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।